पलवल और फरीदाबाद में सरकारी बाबू किस तरह से सरकार को चूना लगा रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस ऑडियो क्लिप से सुनकर लगा सकते हैं। हेलो। हाँ। अरे गाड़ी है, गाड़ी है ये 42-95 करे जैन साहब की गाड़ी है। ये कह रहे जैन साहब की गाड़ी नहीं है। कहाँ पे है गाड़ी? पलवल पार करके। तो तूने फोन किया मेरे पास? फोन किया वो लाइन थी, ये पीछे से मेरे काम आ गई। किसने किया? अरे फोन कर रहा हो तो जाओ तो ये आइए, बात करवा। जो बात। हेलो। हेलो। हाँ जी साहब, गगन बोल रहा हूँ बल्लभगढ़ से। गगन, ये तुम्हारी लिस्ट में तो है नहीं भाई? हमारी गाड़ी है जी, अभी नहीं जुड़ी है इस महीने। ना वो लिख के तुम्हारी जो मंगलम SRP उसमें पकड़ने वाली लिस्ट में नाम है इसका? नहीं, अभी अभी जुड़ी है जी ये। भाई अभी 75 की लिस्ट आई है, वो उसमें देख लिया मैंने, उसमें नाम नहीं है इसका। मैंने लिख के दिया जी संजीव भाई साहब को। सवारी पर देख ले। मैंने लिख के दिए उनको संजीव भाई साहब को इसका। अरे हमने देख के चलान भराया अभी, वो बिल्कुल पहले कन्फर्म करे उसके बाद। अरे नहीं बाबू जी, अपनी गाड़ी है तो। ये तुम्हारी है नहीं भाई, लिस्ट में देखो, अपना खोल के देखो। लिस्ट खोल के देखिए जी, मैंने तो संजीव भाई साहब को दिया जी लिस्ट। जो आपकी बैठ जाओ इसमें। तो सुना आपने कि कैसे एक लिस्ट के जरिए सेल टैक्स और GST विभाग के कर्मचारी ट्रांसपोर्ट के जरिए अपनी जेबें भर रहे हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट्स का आरोप है कि विभाग के अधिकारी एक लिस्ट के हिसाब से सड़कों पर गाड़ियां रोकते हैं। जिन गाड़ियों का नाम लिस्ट में शामिल होता है उन्हें जाने दिया जाता है और बाकी गाड़ियों को रोक कर उनका चालान कर दिया जाता है। जानकारी ये भी है कि इस लिस्ट में शामिल होने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। भाई एक ऑडियो भेजी आपने, क्या है पूरा मामला है, क्या है ये ऑडियो? मामला ये है कि सेल टैक्स के कुछ अधिकारी फरीदाबाद के और पलवल के आपस में मिली भगत, संजीव गोस्वामी और गगन नाम के दल्ला से इनकी मिली भगत है। हमारी गाड़ियाँ तो पकड़ते हैं क्योंकि हम इन्हें मंथली नहीं देते, लेकिन इन्होंने खुद कबूलनामा किया है। हरीश बत्रा सेल टैक्स अधिकारी हैं पलवल के, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन कराया मजबूरी में, तो उसमें खुद उसने कबूल किया है कि जो 75 की लिस्ट में है ये आपकी में नहीं है। हमारे पास हमने अच्छी तरह देख लिया है कि जो 75 की लिस्ट है उसमें आपकी गाड़ियों के नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी 75 की हैं इनसे मंथलियाँ लेते हैं और ये गोरख धंधा सालों से चल रहा है। मैं तो कहूँगा कि ये GST का सबसे बड़ा फ्रॉड, अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से हरियाणा का सबसे बड़ा फ्रॉड पाएगा। ट्रांसपोर्टर्स की माने तो जिन गाड़ियों का लिस्ट में नाम होता है उनसे महीना लिया जाता है और जो ट्रांसपोर्टर्स महीना नहीं देते उनकी गाड़ियों का चालान कर दिया जाता है या फिर पकड़कर विभाग के कार्यालय में खड़ा कर दिया जाता है और फिर छोड़ने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। इसी तरह से जब एक ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी छुड़ाने कार्यालय गया तो देखिए क्या हुआ। वो गाड़ी नहीं वैली पहचान में गाड़ी बोलेरो जो वो चेकिंग लग रही है। दो दिन तो हो गया दिहाड़ी खराब, दो दिन हो गया, हमारा काम खराब हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग के हम सब्जी भर रही है, वो सब्जी खराब होगी हमारी ट्रक में, ड्राइवर नुकसान होगा लग। हमने अच्छी गाड़ी दी यार, हमें क्या पता ये सब सेटिंग होगा, लिस्ट में नाम लिखे जहाँ करवा दो। क्या नंबर है गाड़ी? 74। क्या नाम भैया गाड़ी का? नंबर गाड़ी का 17-0। राम राम जो खड़ी है वहाँ एक भैया आए फरीदाबाद 74-07 बस स्टैंड में, तो सर पे फोन भी कर रहे, फोन ना उठा रहे भैया, तो मैंने हाँ तो 74-07 नंबर है गाड़ी का, बस स्टैंड में खड़ी करवा दो भैया। जैसे ऑफिस ये भैया ऑफिस में ही है जिनकी गाड़ी है, तीन चार आदमी भी, 4-5-6 हैं। साल पूछ रहे उसका जैसे व्यवस्था बैठे वैसे बता रहे, बात करते हैं।
हमने 3-4 गाड़ी ली अभी, हमें ना पता है कि लिस्ट में नाम लिखे जहाँ भैया कहाँ चक्कर है। हमें तो बहन जो एक ने ज्ञान दे दिया जो तुम गाड़ी निकाल लो और चल जाएंगे बढ़िया। लिस्ट में कहाँ चक्कर जीएसटी नंबर लो जो फर्म पर काम कर रहे हो, फर्म पर ना कर रहे जहाँ पे माल लेकर आयो वापस लेकर आओ, ऐसे चल रहा है। तो नया काम है कितने खर्चा लगा सर भी अंदाजा खर्चा तो हमारे यार तुम मित्रोल गो यार हमारे भैया भी मित्रोल थे औरंगाबाद में कंपनी में काम करे फ्रिज वाली में जो भी करते हैं यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार। फिर हम तो बर्बाद हो गए, हमने खेत वेत बेच के ट्रक लिए बहन चोद के। हाँ भैया जिन गाड़ियों की सेटिंग हो जाती है उन गाड़ियों के बकायदा नंबर और कोड अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हीं गाड़ियों को अधिकारी बिना कोई रोक टोक के आगे की ओर जाने देते हैं। इसके लिए जैन साहब भी बनाया गया है जिसे बोलते ही कर्मचारी गाड़ी को आगे जाने देते हैं। आपकी गाड़ी कब पकड़ी गई थी? परसों। तो किसने पकड़ी थी? ये साहब ने पकड़ी है, हरीश। हर्ष? हर्ष क्या नाम है, हर्ष। कहाँ पकड़ी थी? पलवल से 20 किलोमीटर। अब कहाँ खड़ी की गाड़ी है? किसकी है गाड़ी? है सोरी जानपुर। अच्छा, क्या मामला था, क्या कह रहे हैं? जो बोले इसके नाम नहीं है लिस्ट में। कौन सी लिस्ट का नाम नहीं है? जो कोई लिस्ट थी उनके पास? जो बोले 75 में नाम नहीं है इसका। अच्छा, 75 की लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ। कौन कह रहा था ये बात? साहब कह रहे थे। कौन से साहब? हर्ष। अब हर्ष से एक और था उसके साथ में, वो कह रहा था। अच्छा, कोई लिस्ट रखी थी उन्होंने क्या? मोबाइल में नंबर निकाले। मोबाइल में नंबर निकाले थे तो जिसमें लिस्ट में नाम था वो उस गाड़ी को जाने दे रहे थे। अब वो ही जान दे रहे होंगे, अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ। अच्छा, उसको जान दे रहे हैं कि नहीं जान? तुमसे क्या कहा है? मेरे से कह रहे हैं वो इसका उन्हें नाम देगा। मैंने कि जैन साहब की गाड़ी है, उन्हें लिस्ट में नाम देगा, बोले इनका नाम ही नहीं है सोड़ी का। ऑडियो क्लिप पलवल में तैनात AETO की बताई जा रही है जिसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि जो गाड़ी पकड़ी हुई है उस गाड़ी का नंबर इनकी लिस्ट में मौजूद नहीं है। 75 ट्रांसपोर्टरों की लिस्ट अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है जिसमें लगभग 300 गाड़ियां दिल्ली बिना चेकिंग के धड़ल्ले से फरीदाबाद और पलवल से निकलकर आगे की ओर चली जाती हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ये तमाम गाड़ियां बिना सेल टैक्स और GST दिए फरीदाबाद और पलवल की सीमा से पार हो जाती हैं और इन गाड़ियों का मोटा मुनाफा अधिकारियों की जेब में जाता है। फरीदाबाद से अनिल लाठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।